दोस्तों आज के लेसन में है आवाज बदलने की 5 टेक्निक्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्टिंग गुरु। आवाज बदलने की 5 टेक्निक्स, आवाज बदलने की 5 टेक्निक्स, आवाज बदलने की 5 टेक्निक्स, आवाज बदलने की 5 टेक्निक, आवाज बदलने की 5 टेक्निक्स, आवाज बदलने की 5 टेक्निक्स। दोस्तों ईश्वर ने हमें एक ऐसा उपहार दिया है, हर एक इंसान को भी ईश्वर ने एक डायफ्रेम दिया है। डायफ्रेम को हम कैसे यूज करेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल के साथ। भाई आवाज बदलने वाले जादूगर जो होते हैं, अब आप खुद ही देखिए ना, एक कार्टून को एक डबिंग आर्टिस्ट यानी ऑगी इन द कॉकरोच को एक ही डबिंग आर्टिस्ट पूरा शो अपनी आवाज में कर देता है। क्या बात है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा जोर से बोलते हैं तो उनकी आवाज बैठ जाती है, मगर जो लोग अपने सही डायफ्राम का यूज करते हैं तो उनकी आवाज कभी नहीं बैठती। आप अगर पेट का यूज करेंगे यानी कि अपने स्टमक पर वेट यानी कि जोर देकर पूरी सांस भरकर डायलॉग्स बोलेंगे तो आपकी आवाज कभी नहीं बैठेगी। हमारे कुछ लोग चेस्ट से ही अपने डायलॉग्स बोलते हैं, चेस्ट और अपने गले से। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आरजेज या कुछ रेडियो जॉकी आपने देखा होगा, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी आवाज को किस तरीके से बदलते हैं, जैसे जो लोग चेस्ट से बोलते हैं वो कैसे बोलेंगे? भाई देखिए, मैं आपका साथी और आपका दोस्त। तो वो अपने चेस्ट और गले का यूज करके इस आवाज को निकालते हैं। कुछ लोग गले से, बिल्कुल गले से बोलते हैं, वो भी स्टमक का कहीं ना कहीं यूज करते हैं, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी। और तीसरी आवाज आती है वो हमारी नोज से आती है। आवाज बदलने की टेक्निक्स में ये चौथा नंबर जो है वो है हमारी नोज का। बहुत से लोग इस तरीके से बात करते हैं कि उनको नाक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हमारी लास्ट टेक्निक आती है जो हम अपने दिमाग और नाक दोनों के लेवल को मिला के डायलॉग्स बोलते हैं। और भाई कैसे हैं आप लोग जी, बताइए ना। लिज्जत पापड़ा। तो दोस्तों अगर आप इस डायफ्रेम पर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो डबिंग और वॉइस के काम में आप अपना करियर बना सकते हैं। एज एन एक्टर होने के नाते अगर आपके अंदर वैरायटीज हैं यानी आपके अंदर काफी सारी चीजें हैं तो आप अच्छा बिकेंगे, यानी कि आपको अच्छे खरीदार मिलेंगे और आपको अच्छे अच्छे रोल मिलेंगे। इन चीजों पर आप आज ही से काम करना शुरू कर दीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप जल्दी एक्टर बन जाएं और मुझे भी याद करें। और इस बार मैंने ये सोचा है ना कि ये वीडियो कम से कम 5000 लाइक्स तो चाहिए। वाह, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज वो जो लाल वाला बटन है ना, दबा दीजिए।